हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉफिट होता है वो रिजल्ट होता है दो फैक्टर्स का, टू फैक्टर्स। वो दो फैक्टर कौन से? सेल एंड कॉस्ट। इसका मतलब सेल और कॉस्ट के अंदर जितना गैप ज़्यादा होगा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट क्या है? रिजल्ट है दो फैक्टर्स का, सेल्स एंड कॉस्ट का। अब देखो, प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है या तो सेल्स को बढ़ा के या फिर कॉस्ट को कम करके, और हम कॉस्ट पे ही बात करेंगे। अगर मार्केट में कंपटीशन अच्छा है, यानी एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो वहाँ पर आप प्रॉफिट को बढ़ा नहीं सकते, कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अगर मार्केट में कंपटीशन है ही नहीं, मोनोपोली है, तो वहाँ पर प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है। अब बात करता हूँ मैं कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है कॉस्ट के अंदर कमी। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? एक रियल और परमानेंट रिडक्शन होता है इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और सर्विस रेंडर्ड। यानी गुड्स, या तो जो मैन्युफैक्चर होगा गुड्स, उसकी कॉस्ट के अंदर कमी, या फिर कोई सर्विस जो रेंडर होगी उसकी कॉस्ट के अंदर कमी। और ये जो कमी होगी ये रियल और परमानेंट है। मतलब कोई विंडफॉल या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में बदलाव होने से अगर कॉस्ट कम होती है तो उसको रियल परमानेंट नहीं बोलते। रियल और परमानेंट रिडक्शन जो जब होगा गुड्स की कॉस्ट में या सर्विस की कॉस्ट में, बिना विदाउट डिमिनिशंस इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी में बिना कंप्रोमाइज किए हुए, उसकी क्वालिटी में बिना कोई बदलाव हुए, अगर गुड्स या सर्विस की कॉस्ट में एक रियल और परमानेंट कमी आती है, उसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। उसके बाद होता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? टेकिंग करेक्टिव एक्शंस या अप्रोप्रिएट एक्शन इफ कॉस्ट एक्सीड ए प्री डिटरमाइंड या प्री सेट या बजटेड या इस्टीमेटेड या प्री सेट अलाउंस। मतलब पहले से ही निर्धारित कॉस्ट से अगर कॉस्ट अधिक आ जाती है, तो कॉस्ट अधिक आने की वजह से जो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, जो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाता है कॉस्ट को कम करने के लिए, वो होता है कॉस्ट कंट्रोल। जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसकी पहले से ही निर्धारित कर दी कॉस्ट 8 रुपये पर यूनिट, लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट कितना आ गया? 10 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब ज़्यादा आ गया। अब जो एफर्ट की जाएगी, जो कोशिश की जाएगी, जो करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा, जो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा 10 रुपये से 8 रुपये तक कॉस्ट लाने के लिए, तो ये करेक्टिव एक्शन जो लिया जाएगा इस 10 से 8 पे कॉस्ट को लाने के लिए, ये क्या कहलाएगा? कॉस्ट कंट्रोल। ओके, थैंक यू।